असलम साहब इंज काम नहीं जा चलना। अगर गुलजार गादी साहब सुनते जे पे, अगर मलक फखर साहब दयानतदारी से हर एक ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है ते अंसारी बरादरान फिर सुनो राणा साहब, फिर मेरे या इन्हां दे तुहाडे नाल राबते करन वालिआं दे कोई जरूरत नहीं। ते जे असीं फैसला कर चुके हां तो फिर मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। 17 तारीख बरोज सोमवार जितना तकड़ा जलसा रैली आप कर लेंगे उतने दिन कम हो जाएंगे। ज्यादा रहा है ये खुदा के फजल व करम से उसने हमारी सुनी है, आपकी दुआएं सुनी है, आपकी बेबसी देखी है और जो हाल कर दिया है लाने वाले भी उसी से दुआ कर रहे हैं। इसलिए इसने तो जाना है, ये फैसला है यार बात सिंगल करना, मगर जाना कितने हफ्तों में है महीनिया की गल नहीं कर रहा, जाना कितने हफ्तों में है ये फैसला आपके हाथों में है। और मैं आपको ये कह रहा हूं दो रैलियां आपको निकालनी पड़ेंगी, एक रैली 17 तारीख को जितनी तगड़ी निकाल लेंगे उतना फासला कम हो जाएगा इसके जाने का, और दूसरी रैली नवाज शरीफ के इस्तकबाल की। और दूसरी रैली के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ, ये फैसला इंशाल्लाह कौम करेगी। अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। पहले तो जो शख्स मेहनत नहीं कर सकता, नहीं करेगा, इस जनरल हाउस के इजलास में जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करेगा, वो खुदा को गवाह बना के हाथ खड़ा ना करे।